Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami class. दोस्तों आज मैं आपके साथ सिलेबस ही शेयर नहीं करूंगा DSSSB TGT English का, बल्कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तैयारी करने के लिए, कम समय में आप अच्छी तैयारी कैसे कर पाए, इन सभी बातों पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि आपको क्या क्या सिलेबस के लिए तैयार करना है। तो देर ना करते हुए आ जाते हैं सीधे सिलेबस पर इंग्लिश के। टीजीटी इंग्लिश का जब आप सिलेबस आप यहाँ पर स्टडी करते हैं, आप देखते हैं सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है। और ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है ना दोस्तों, ये जॉब आपको दिला भी सकता है और आपको जॉब से काफी कोसों दूर ले भी जा सकता है। इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या गलती देखने को मिलती है, एस्पिरेंट्स अधिकतर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तैयार नहीं करते। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे, सेलेक्ट करने वाले आएंगे, वो तो हम कर ही देंगे, और वो तो हम कर ही देंगे के चक्कर में ये जो तीन चार पैसेज आते हैं ना, ये सारे गलत हो जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, और जहां पर वो गड़बड़ हो जाती है तो वहीं पर वो मेरिट में फिर बात बिगड़ जाती है। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन, दोनों कॉम्प्रिहेंशन आपको तैयार करने हैं, प्रोज के भी और पोएट्री के भी। और आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है DSSSB को स्पेशली लेकर, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन ही स्टार्ट किए, जिसमें पोएट्री के कॉम्प्रिहेंशन हमारे चल रहे हैं, इसके बाद प्रोज के कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। उनको समझिए कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से घबराना नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि इस पूरे सिलेबस से ही घबराना नहीं है, बहुत आसान है। अगर जो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो सब कुछ आसान होता चला जाएगा। आपने चिड़िया को देखा होगा ना, तो चिड़िया क्या करती है, तिनका से इकट्ठा करती है, बहुत मेहनत में लगी रहती है, तिनका लाती है, इकट्ठा करती है, और उस तिनके से वो पूरा घोंसला बना देती है। आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन फिर उठ जाता है और हंसता है। गिरने के बाद भी वो बच्चा हंस रहा है, उत्साह उसके अंदर है, उमंग उसके अंदर है, और फिर चलता है, फिर लुढ़क जाता है, फिर चलता है, फिर लुढ़क जाता है, फिर चलता है, फिर उठ जाता है। और इस तरह से एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से दौड़ने लग जाता है। ऐसा ही तो होता है, अगर जो मन में उत्साह है, अगर मन में उमंग है, अगर मन में कुछ करने की भावना है, तो ये मान के चलिए आप एक अच्छे मन के साथ, एक उमंग के साथ जीत कर रहेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ उदासीनता वाली प्रवृत्ति आ जाए, आप दुखी मन से स्टडी करें, आप ये सोचकर एक निराशा के साथ स्टडी करेंगे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, तो फिर शायद नहीं कर पाएंगे। उस चीज को मेन ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये सीखो कि आप इसमें प्लेजर फाइंड आउट करना सीखें, क्योंकि जो लिटरेचर है या ग्रामर है, कोई भी टॉपिक है स्टडी का, उसमें अगर जो आपको खुशी नहीं मिल रही है तो फिर मान के चलिए कि बहुत कैड़ा मामला है। लेकिन अगर आपको इसमें खुशी मिलने लगे तो ये मान के चलिए कि आपने अपने रास्ते को तलाश लिया है, अब बस आप शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहला पार्ट आता है, जिसमें आपके 3 से 4 पैसेजेस पूछे जा सकते हैं, 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट, और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना है। ये तो मैंने आपको बताया, लिटरेरी और प्रोज दोनों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है, कैसे और कहां से तैयार करना है ये भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए पहले अपने अपने आपके जो टॉपिक है। फिर ग्रामर की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रामर में एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड टू यूज देम एक्यूरेटली इन कॉन्टेक्स्ट, ये चीजें आपको तैयार करनी है। इसमें टेंस, में आपका टेंस है, ठीक है ना, टेंस को आपको फोकस करना है। मॉडल्स देख रहे हैं, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, कनेक्टर्स है, क्लोजेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पंचुएशन है, और सीक्वेंस फ्रॉम द करंट सेंटेंस और आप पैराग्राफ। तो ये टॉपिक है आपके, इनको आपको तैयार करना है। और अगर जो हम बात करें टेंस, मॉडल्स, वॉइस, ये सारे टॉपिक्स हमने अपने चैनल पर पढ़ाए हुए हैं, और अब दोबारा से जब मैं आपको ये तैयारी करा रहा हूँ
तो ये सारे टॉपिक मैं आपके DSSBK के विदाउट एनी कोस्ट आपको क्लियर कराने वाला हूँ। डेली क्लास आपको मिलेगी, क्लास का टाइम आपको जो क्लास मिलेगी वो ये मान के चलिए रात के 9 या 10 बजे आपको रिकॉर्डेड मोड पे क्लास मिलेगी, 9 या 10 बजे आपके चैनल पर। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहे कि जो क्लास हमारी होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको दोबारा से करा दूंगा। वैसे अगर जो आप चाहते हैं कि सारे आप 2 या 3 या 4 दिन के अंदर करना चाहते हैं तो वो सारे आपके अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पर भी हैं, और बाकी आप ग्रामर आप शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे, तो उनसे आप आगे बढ़िए। इसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर पर। लिटरेचर में अधिकतर जो है यहाँ पर बच्चों को डर लगता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि लिटरेचर डेप्थ में स्टडी किया हो, कि आपने ग्रेजुएशन में बहुत गहराई में आप लिटरेचर में गए हो, और लेकिन क्वेश्चंस गहराई वाले आते हैं। आप देखते होंगे अपने प्रीवियस एग्जाम पेपर को देखा हो तो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना, जो स्टैंडर्ड होता है वो अच्छा खासा होता है, तो उसके लिए एक अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए। और लिटरेचर की तैयारी आप जानते होंगे, आपने मेरी वीडियोस को भी अगर जो देखा हो, तो लिटरेचर की ऐसी तैयारी आपकी हो जाएगी अगर जो आपने उनको स्टडी कर लिया तो, कि मानिए कि DSSBK आप क्लियर कर देंगे अगर जो आपने ढंग से स्टडी कर लिया जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे। सबसे पहले बात आती है शेक्सपियर के वर्क्स को लेकर। तो ये आता है आपका शेक्सपियर के वर्क्स को लेकर, शेक्सपियर को आपको तैयार करना है। भाई कोई भी एग्जाम हो, शेक्सपियर मेन राइटर होता है, तो शेक्सपियर के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है। तो शेक्सपियर की स्पेशली ट्रेजेडी पर फोकस आपको करना है, कॉमेडीज पर भी करना है लेकिन स्पेशली ट्रेजेडी पर और सोनेट्स पर फोकस करना है शेक्सपियर की। शेक्सपियर के वर्क्स को अगर जो आपको तैयार करना है, बहुत अच्छे तरह से तैयार करना है, और आप चाहते हैं कि इतनी किताबों से ना पढ़कर आप कुछ ऐसा आपको चीज मिल जाए जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, तो दोस्तों शेक्सपियर की तैयारी मैं DSSBK के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें मैं अलग से कराता रहूंगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने प्रीवियस क्लासेस बनाई हुई हैं उसमें एक क्लास मैंने बनाई है, UPTET इंग्लिश की बनाई थी एक क्लास, मैराथन क्लास है जिसमें चारों राइटर्स को कवर किया गया है। मैराथन क्लास में जो UPTET के राइटर्स आते हैं, चार राइटर्स, उनमें एक राइटर शेक्सपियर भी होता है, विलियम शेक्सपियर को। अगर जो आपने वहां से मैराथन क्लास, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर 9 7 5 6 0 5 5 5, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको लिंक मिल जाएगा जो मैराथन क्लास है जिसमें विलियम शेक्सपियर भी है। तो विलियम शेक्सपियर, ठीक है, आपका विलियम शेक्सपियर है, तो विलियम शेक्सपियर आपका पूरी तरह से उस मैराथन क्लास में कवर हो जाएगा। और अगर जो आपने उस मैराथन क्लास से शेक्सपियर को कवर कर लिया तो मैं कहता हूं कि फिर आपको ज्यादा कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है शेक्सपियर की DSSBK के, बहुत सफिशियंट है। उसमें जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सोनेट्स, सभी को पढ़ाया गया है, जो इंपॉर्टेंट प्लेज है उनके बारे में पढ़ाया गया, और पूरा डेप्थ में लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है, तो उसको आप तैयार कीजिए। इसके बाद हम आते हैं रोमांटिक पीरियड पर, रोमांटिक पीरियड। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए लिटरेचर में जो इतना दिया हुआ है इसके साथ साथ आप DSSBK के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मेंशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन लिटरेचर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आपको DSSBK में पीछे भी देखने को मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छे से तैयार कर लें, लिटरेरी टर्म्स अच्छे से तैयार कर लें। अब कैसे करें उसके लिए भी हमारी स्पेशल मैराथन क्लास ऑलरेडी बनी हुई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स की क्लास है, उनको आप देखिए, जो कि टेलीग्राम ग्रुप से भी आप हमारे जुड़ जाइए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं मिलता तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो वहां पर मैंने वो सभी जो है वो पोस्ट किए हुए हैं, दोबारा से मैं उनको सेंड कर दूंगा वहां पर, जिसमें आपको शेक्सपियर की मैराथन मिल जाएगी, लिटरेरी टर्म्स की मैराथन मिल जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैराथन मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं शैली की, तो आपको पीबी शैली को तैयार करना है। शैली पर मैं स्पेशल क्लास लूंगा DSSBK की, वैसे हमारे चैनल पर अवेलेबल है लेकिन एक अलग से क्लास होगी।
स्पेशल क्लास उसको तैयार करना है, वर्ड्सवर्थ को आपको तैयार करना है। वर्ड्सवर्थ की बात करें तो फिर आप इसी मैराथन से जुड़ जाना। जो मैंने आपको बताया यूपी टीजीटी में चार राइटर आते हैं, उनमें से एक विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे विलियम शेक्सपियर भी हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को भी आप मैराथन से तैयार कीजिए। उस मैराथन को आप तैयार कर लीजिए वर्ड्सवर्थ की, फिर कुछ और अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं मैं, अगर जो आपने उसको तैयार कर लिया, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं दोस्तों, तो कुछ दम होगा क्लास में तभी मैं बोल रहा हूं ना, तो उसको आप तैयार कीजिए वर्ड्सवर्थ के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं जॉन कीट्स पर। कीट्स पर भी स्पेशल क्लास है लेकिन मैराथन नहीं है, तो जिन पर मैराथन नहीं है उन पर मैं स्पेशल क्लास डी ट्रिपल एस बी के लिए लेता रहूंगा। इसके बाद कॉलरिज को आप तैयार करना है, बायरन को तैयार करना है रोमांटिक एज में, इन पॉइंट्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए राइटर्स पर। इसके बाद 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आपको तैयार करना है, टेड हक्स को, विटमैन को तैयार करना है, एमिली डिकिंसन को, बर्नार्ड शॉ को आपको तैयार करना है, तो इन राइटर्स को आपको तैयार करना है। इनके लिए स्पेशल क्लास आपकी सीरीज चल रही है, उसमें आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड सेशन में तो सारे राइटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये जो राइटर्स हैं जिन पर मैराथन नहीं बनाई है, क्योंकि उसमें क्या होगा, बाकी सभी राइटर्स पर मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स अलग अलग वीडियोज में बाइफरकेट करके पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें मजा नहीं है। जब सारा एक साथ पढ़ने को मिलता है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। सपोज करो आप कॉलेज पढ़ रहे हैं और कॉलेज को आपने एक मैराथन में एक दिन में तैयार कर लिया या फिर दो दिन में तैयार कर लिया, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं इन पर कोशिश करूंगा कि इन सभी राइटर्स पर, जो डी ट्रिपल एस बी के सभी राइटर्स हैं, इन पर स्पेशल स्पेशल मैराथन में अलग अलग सेपरेट तैयार कर दूं। तो उसी में मैं लगा हुआ हूं, तो उसके लिए मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं, ये पीडीएफ तैयार कर रहा हूं और आपको जल्दी से इनको पढ़ाया जाएगा। और बस आप ढंग से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो ग्रुप है आपके दोस्तों के, उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो आपके साथी हैं वो भी इसका फायदा उठा सके, एक स्टडी का फायदा उठा सके। इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है, आपकी डेली क्लासेस होंगी, फ्री क्लासेस हैं, बस आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी के लिए अच्छी तरह से लगे रहिए। इसके बाद मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अनिता देसाई, विक्रम सेठ, निसिम इज़दीकल, केकेएन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद और खुशवंत सिंह, इनके भी अलग अलग टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन स्पेशल मैराथन क्लासेस नहीं है। अलग अलग अनिता देसाई को भी, विक्रम सेठ को भी, निसिम इज़दीकल को भी, इनकी अलग अलग सेपरेट पोएम्स पढ़ाई हुई हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि चाहे दो दिन लगे या तीन दिन लगे, तो उसकी आपकी एक इस तरह की पीडीएफ तैयार की जाएगी, फिर उसको आपको पढ़ाया जाएगा एक दिन में, ताकि आपका एक दिन में आप पूरी मैराथन को अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर उसको आप अपने हिसाब से दो दिन में तीन दिन में उसको तैयार कर ले। इसके बाद मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश आपको तैयार करनी है। तो ये आपका टॉपिक है डी ट्रिपल एस बी का, यूपी सॉरी टीजीटी को लेकर, तो टीजीटी का ये टॉपिक आपको तैयार करना है। और किस तरह से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बस आपको हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि आधे तो बच्चे क्या होते हैं कि सिलेबस देख के ही घबरा जाते हैं कि इस तरह वाइट सिलेबस है, कैसे करेंगे, हम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल आप कर पाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया ना, एक छोटे से बच्चे को उदाहरण दिया कि बच्चा गिरता है, लुढ़कता है, लेकिन उठ जाता है, हंसता रहता है, खिलखिलाता है, फिर चलता है। तो आप भी उस बच्चे की उमंग की तरह, उस उत्साह की तरह पढ़िए, सब कुछ आसान हो जाएगा, रास्ता आपको दिखने लगेगा और आपका जो सफलता का जो शिखर है ना, उस पर पहुंचने से फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और इसके साथ साथ यूपी टीजीटी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, अगर आप यूपी टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक स्पेशल स्कीम है, उससे आप जुड़ जाइए। हमारा जो एक स्पेशल क्रैश कोर्स है, जो कि एक रिकॉर्डेड मोड पर भी है और लाइव क्लासेस भी उसमें ऐड है और नोट्स भी हैं, वो आपको ये मान के चलिए कि 50% डिस्काउंट मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए कि नोट्स के साथ आपको जो है क्लासेस फ्री मिल रही है, या फिर क्लासेस के साथ नोट्स मान लीजिए, कुछ भी आप समझ सकते हैं, कि आपको केवल और केवल 2000 रुपये में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसमें वैसे तो नोट्स की फीस जो है हमारी वो 2000 रुपये की है, लेकिन इस समय आपको 2000 रुपये में नोट्स भी मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन जो क्लासेस है वो भी मिलेंगी, लाइव सेशन भी मिलेगा, लाइव रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, सब कुछ पूरा कंप्लीट पैकेज है यूपी टीजीटी का, जिससे आपकी बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो उसका हिस्सा जरूर बने आप लोग। तो ये 2000 रुपये में है, अगर जो आप इस यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं तो मैं चाहता हूं, और आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्स का भी हिस्सा जरूर बने। और इसमें कैसे आप ज्वाइन करना है,
कोर्स को, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर 9756055255 पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है, आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन।